जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएम एसएससी स्कॉलरशिप को लेकर इम्पॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपके गैस पेपर से बताने वाला हूं, ठीक है ना। जैसा कि ये गैस पेपर देख सकते हैं, और बच्चे बोल रहे थे कि ये गैस पेपर को हम लोग को प्रोवाइड कीजिए, तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सर। आप लोग को क्या करना है मैं अभी बता दूँगा थोड़ी ही देर में। मैं कई वीडियो पर बताया हूँ इस गैस पेपर को जो है किस प्रकार से आपको लेना है फ्री में, ठीक है। मैं फ्री में दूँगा, ठीक है, फ्री में आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें सर फिज़िकली डायरेक्ट दे दो। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ आपको खुद समझने की कोशिश करना, क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, कोई विद्यार्थी यूपी से होगा तो कोई झारखंड से होगा, कोई बिहार से होगा, और भी कोई अदर जो है स्टेट से होंगे, कोई अदर गांव से होंगे, कोई विलेज से होंगे, ठीक है, यानी कोई सिटी से होंगे। तो इतना दूर दूर में 40 मात्र आपके पास दिन है, 40-45, तो ये जो दिन बचा हुआ है भाई, ये इसमें अब मैं कैसे आप लोगों को जो है डायरेक्ट दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने एक उपाय निकाला, इसके लिए मैंने एक उपाय निकाला कि सभी को लाभ मिले, ठीक है, सभी को लाभ मिले। तो इस पर क्या किया जाए कि सभी को ये पहुँच जाए, एक बार में ही सभी विद्यार्थी को क्या हो, लाभ हो, ठीक है, सभी विद्यार्थी को। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए टेलीग्राम में चैनल बना दूं, तो मैंने टेलीग्राम में आप लोग के लिए चैनल बना दिया, ठीक है। तो टेलीग्राम में बना दिया, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। किस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, और यहाँ पर ये जो इस वीडियो के साथ जो विद्यार्थी बने रहेगा, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर के लिए आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हैं पीएम एसोसिएट स्कॉलरशिप 2023 के लिए ये बुक निकाला गया है आप लोग के लिए दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, यहाँ पर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और बच्चे एक चीज़ पूछ रहे थे कि सर हम लोगों का जो है प्रश्न कहाँ से आएगा, तो मैं बता दूँ एनसीईआरटी, ठीक है। और बच्चों का डिमांड था कि सर हम जिस बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उस बोर्ड में एनसीईआरटी जो है नहीं है, यही डिमांड था। क्या हम एग्ज़ाम में हमारा बुक से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा? मैं 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके बुक से भी क्वेश्चन लड़ेगा और एनसीईआरटी से भी लड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि आपके बुक में जो भी कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो भी कंटेंट दिया हुआ है वही चीज़ आपके पास एज इट इज एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप लोग देखोगे। हाँ, चैप्टर थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन वहीं वहाँ के जो कंटेंट हो गए वही एनसीईआरटी में कंटेंट होता है, क्लियर, ये चीज़ें याद रखना, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहला प्रश्न में बोल रहा है कि शीत के सॉरी माफ कीजिएगा ऋतु के आधार पर, ठीक है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है, ठीक है, ऋतु के माध्यम से कौन सा फसल जो है सबसे कम प्रचलित है, ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों, वो भी ऋतु के सेशन के आधार पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिश्रित फसल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊँगा चैप्टर वाइज सभी को कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर आप लोग इस प्रकार से भी वीडियो को पॉज करके भी अगर लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ की भी दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल मैं पीडीएफ आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ, तो लेने की कोशिश करें, है ना, पीडीएफ के तौर पर मैं इस बुक को फ्री में दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल देख सकते हैं कि दूसरा सवाल में क्या पूछा है कि यहाँ पर एक खर पतवार का उदाहरण है, ठीक है, ये किसका उदाहरण, ये चीज़ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मसूर, बी है घास, जूट, और उसके बाद क्या है तीसी, ठीक है, तो कौन सा होगा। तो घास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग क्या करना होगा, याद रखना होगा बाबू, ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ही याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल को क्या है कि निम्न में से कौन खाद का प्रकार नहीं है, कौन खाद का प्रकार नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों। तो कौन खाद का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर एनपीके ये जो है खाद का प्रकार नहीं है, ये खाद के अंतर्गत नहीं आता है, खाद का प्रकार नहीं है, खाद का प्रकार जो है क्या है, नहीं है बच्चों, ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखोगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या हैं दोस्तों, जंतुओं द्वारा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है दाल, बी है शहद, फल, उसके बाद चावल। तो समझ सकते हो कि जंतुओं द्वारा, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया जंतु द्वारा होना चाहिए, तो यहाँ पर शहद देख सकते हो ये क्या है, जंतुओं द्वारा होता है ना,
ये कि ये जीवित व्यक्ति जो है यहाँ से शहद जो बांग्ला में हम क्या बोलते हैं मधु ना क्या बोलते हैं ना, तो ये चीज़ देखिए फल ये तो पेड़ देता है, चावल ये भी पेड़ दे मतलब पेड़ मतलब पौधा देता है भाई, है ना, ये डाल ये भी तो नहीं देता है कोई जंतु, ठीक है, यहाँ पर शहद हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे, है ना। अगला सवाल देख सकते हैं कि अगला सवाल में क्या पूछा है आप लोगों से, यहाँ पर पूछा है कि निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है ना, कौन फलदार फसल है इस चीज़ को बताना है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो भाई कहाँ जा रहा है, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फलदार फसल पूछा है, नहीं यहाँ पर फलदार फसल पूछा है, तो यहाँ पर ज्वार तो होगा नहीं, गेहूँ तो फल देता नहीं है, धान ये भी होगा नहीं, लेकिन नींबू आपके पास क्या है, ये फलदार फसल है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा कंसेप्ट, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज़ करोगे हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 पे ज़्यादा सवाल आप लोगों का नहीं रहता, ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं रहेगा, है ना, थोड़ा बहुत सवाल रहेगा वो चीज़ मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं में से सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या है, और मॉडल पेपर में जो भी कंटेंट है वो मैं जब प्रोवाइड कर दूँगा तो आप लोग के लिए और भी तैयारी बेहतरीन हो जाएगा, बहुत जल्दी हमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लाइन भी लाऊँगा, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि 9th वाले स्टूडेंट, ठीक है। अगला सवाल है कि दोनों को क्या है, दाने को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दाने को भूसे से अलग करना, ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एकदम, दाने को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दाने, सॉरी दानों को भूसे से अलग करना, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है बच्चों ये क्या कहलाता है, ये थ्रेसिंग, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे थ्रेसिंग कहलाता है बाबू, है ना, इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है कि रेशेदार फसल कौन सी है, तो रेशेदार फसल के लिए आप लोग याद रखोगे कपास, ये क्या है रेशेदार फसल है। वहीं बात करें अगले सवाल की, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होता है, ठीक है, यूरिया में कौन सा तत्व की अधिकता हो पाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग का नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया में NH3, ठीक है, NH3 होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है यहाँ पर क्या है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है, वो भी ग्रीष्म ऋतु में मतलब लगाई जाने वाली जो फसल है उसका नाम लिखना है, तो कौन सा फसल हो जाएगा भाई, इसके लिए आप लोगों का हो जाएगा जायद फसल, ठीक है, जायद फसल। और आप लोग इन तीनों की परिभाषा नीचे कमेंट पर लिखोगे कि इसका उदाहरण, एक एक उदाहरण सभी विद्यार्थी देखेंगे कि 9th के कौन से विद्यार्थी लिख पाते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए भी एक कंपटीशन है, ठीक है, सभी विद्यार्थी में सभी का अगले वीडियो पे नाम लूँगा, ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके लिख देना कि सर मैंने बता दिया, ठीक है, सभी विद्यार्थी लिख देना, मुझे पता चल जाएगा, और अगले वीडियो पे आपका जो नेम होगा ये कमेंट पर जो है लिखा रहेगा, मैं आप लोग का अगले वीडियो पर नाम लूँगा, ठीक है, जो जो लिखेगा। प्रश्न था ये कि रबी फसल के एक उदाहरण दे दो, है ना, खरीफ फसल के एक उदाहरण दे दो, जायद फसल के एक उदाहरण दे दो, और इसकी परिभाषा, ठीक है, इसके क्या लिखना है भाई, इसकी परिभाषा, ठीक है, ये कब जो होता है, ठीक है, परिभाषा, इसका परिभाषा आप लोग नीचे नोट डाउन कीजिएगा, क्लियर सभी का, है ना। अगला सवाल पे क्या बोल रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, नियमित रूप से उगाए जाने वाली फसल को बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर फसल बोलेंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। अगला सवाल है कि खरीफ फसल का उदाहरण, देख लीजिए उदाहरण यहाँ पर ही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन जो होता है ना, आप लोग खाते हो कि नहीं, तो ये हो जाएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर 11 नंबर में जो सवाल है, आप लोग का यहाँ पर रबी फसल भी पूछा जा सकता है, जायद फसल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर खरीफ बता दिया तो आप लोग को खुद से याद रखना पड़ेगा, रबी भी फसल पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग का पूछा जा सकता है, जायद भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल है कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है, जो हमारा फसल है इससे अनाज, ठीक है, इससे अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं दोनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा कहाँ प्राप्त करते हैं, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा पाचन, शोषण, उत्सर्जन, उपरोक्त सभी हो जाएगा इनमें करेक्ट उत्तर। अगला सवाल है कि खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है, तो खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं,
तो इसे ही हम लोग सिंपल बोलेंगे, क्या इसे हम बोलेंगे जुताई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आप लोग अभी चैप्टर वाइज इसलिए करा रहा हूँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बता दूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लिया, ठीक है ना, वरना इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है आपका बुक। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको अभी एम सी क्यू क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, एम सी क्यू, ठीक है, ताकि आप लोग आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। साइंस में भी थोड़ा सा कंसेप्ट की ज़रूरत होगा, जैसे कि धोनी वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बल तथा दाब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बल तथा दाब वाला जो चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग का गुरुत्वाकर्षण ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इस पर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे बाबू। ठीक है, सभी चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, है ना, मतलब क्या वीडियो क्या बनाऊँ आप लोग के लिए बना चुका हूँ। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन, समझ सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब जो टाइटल दिख रहा है ना, उस टाइटल पे एक बार क्लिक कीजिए तो आपको बहुत सारा लिंक खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी टाइटल लिखा हुआ है ना, टाइटल पे एक बार थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया तो आपके सामने बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, तो वहीं पर लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास नाइन्थ के लिए, तो आपको वो चीज़ें दिख लेनी है। और अभी तक अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट नहीं किए हो MR आकाश द एजुकेशन, जल्दी जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, MR आकाश द एजुकेशन। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, आप लोग फ़ायदा में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे 1000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो उस चैनल पर जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर लाइव टेस्ट वगैरह इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में बहुत सारे क्लासेस दे रहे हैं, तो आप लोग को मैं सोच रहा हूँ कि 5 से 7 क्लासेस मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम 11th की पढ़ा दें तो वहाँ पर 9th का दे देंगे, यहाँ पर 9th का देंगे तो वहाँ पर 11th का दे देंगे, इस प्रकार से हमारा पढ़ाई होगा। ठीक है, और नीचे कमेंट करके बताना कि क्लास 9th वाले आप लोग लाइव टेस्ट देना चाहते हैं या फिर नहीं। ठीक है, अगर लाइव टेस्ट देने की इच्छा है कमेंट करके एकदम बताना कि ये सर हमारे इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है, आप लाइव टेस्ट दीजिए, आपका वीडियो से हम लोग को लाभ मिल रहा है। जस्ट आपको एक ही कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, इस चैनल से हम लोग का लाभ हो रहा है, आप हम हमारे लिए लाइव टेस्ट जो है लीजिए, बस ये चीज़ लिख दो कमेंट पे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो मैं आप लोग का लाइव टेस्ट ढाकर तरीके से लूँगा, और साथ ही साथ जो भी लाइव टेस्ट के PDF नोट्स होंगे वो भी टेलीग्राम में पहुँच जाएगा, है ना। और टेलीग्राम में आज मैंने बहुत सारा जो है PDF शेयर कर दिया है, आप लोग जा करके डाउनलोड कर लो और अपना पढ़ाई को बेहतर तरीके से करो, वो भी फ्री में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।